अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किंजास किचन। आज हम आप लोग के साथ हलवाई स्टाइल में चकली की रेसिपी शेयर करने वाले, तो चलिए देख लेते हैं। एक कप चावल है, एक कप मूंग की दाल, ये उड़द की दाल है, इसको माश की दाल भी बोलते हैं। हमको चावल को सबको अच्छी तरीके से धो के बस कपड़े पे डालकर सुखा लीजिए और उनको भून लीजिए। ये मूंग की दाल को धोकर थोड़ा सा सुखा लिया है हवा में पैन में, और उसको अब उस पर रोस्ट करेंगे अच्छी तरीके से। ये सब चीज़ों को रोस्ट करना है, चावल को, इसको, चने की दाल को, मूंग की दाल को। इसको अच्छी तरीके से धीमी आंच पर भूनते जाइए। अब क्या जब तो उसको दूध पिला दीजिए। ये देखिए अच्छी तरीके से, जब तक इसमें कड़क ऐसे कट-कट आवाज़ नहीं आती जब तक भूनते जाइए इसको। ये देखिए दाल इस तरीके से अच्छी तरीके से भून गई है, इसकी आवाज़ भी सुनिए, ऐसी आवाज़ आना इसमें। ये भून गई दाल, बस इस तरीके से पूरी दाल, चावल, दूसरी चने की दाल है, माश की है, इन सब दालों को भी आप ऐसे भून कर निकाल लीजिए। ये देखिए हमारे पूरे दाल चावल सब ये भून कर तैयार हो गए हैं। आप इस तरीके से भूनिए, ऐसे अच्छे से हवा लाना इसमें कर सकते। ये तीन चम्मच पोहे लिए हैं। अगर आपके पास पोहे नहीं मिलते तो साबूदाना भी डाल सकते हैं, और ये 3 चम्मच ये डालिया है। इन दोनों को भी अच्छे हल्के हाथ से रोस्ट करिए। ये देखिए अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसको भी, इन चीज़ों को भी, डालिया और पोहे को भी इसमें मिलाइए। ये 2 चम्मच धनिया और ले लो, साबित धनिया ले लो, और उसके बाद 10 से 15 काली मिर्ची ले लो, और सौंफ 2 चम्मच, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप भी 1 चम्मच ही डालिए। तो देखिए भी भुन चुका है, इसमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू आ गई तो समझ जाना भुन गया। इसको भी ठंडा होने के लिए इसमें ही डाल दीजिए। फिर ये दोनों तीनों चीज़ें जब ठंडी हो जाएंगी तो जब इसको पीस लीजिए। ये ना आटा पीस के, इसको पीस कर छान के रख लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, छानना ना भूलिए, नहीं तो फिर उसमें थोड़ा सा वो आ जाता है, मोटा आ जाता है, तो फिर चकली बनाते टाइम परेशानी होती है। ये 2 कप लेंगे हम, 2 कप के बना रहे हैं। अब आप आपके हिसाब से बनाएं। ये देखिए ये जो इतना बना कर रखा है हमने, ये आटा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, आप भी बना कर रख लीजिए। इसको स्टोर करके रख लीजिए ऐसा एयरटाइट कंटेनर में, या कांच के बर्तन में, कहीं में भी रख सकते हैं, हमने एयरटाइट में लिया है। तो 5-6 महीने भी चल सकते हैं, बस आपके रखने पे है। सूखा चमचा डालिए इसमें लेते टाइम, कच्चा कोई चीज़ में धूप मिलाइए, बस एहतियात से रखने से तो 7-8 महीने आराम से जाता है। ये हमने थोड़ा बनाकर बताया। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से बन कर रख दीजिए। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, थोड़ी सी हल्दी डाली, 1 चम्मच नमक भी डालिए, फिर नमक आपके हिसाब से डालिए चक्कर। इसमें सफ़ेद तिल भी जाती है, हमारे घर में जो थी हम वो डाल रहे हैं। 2 से 4 तिल ज़्यादा भी डाल सकते हैं हम, मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ उसमें। और अजवाइन भी अच्छी डालिए ज़्यादा से, ऐसा क्रश कर। 1 चम्मच अजवाइन लिया है मैंने, और इसको अच्छी तरीके से ऐसा क्रश कर लीजिए हाथों से, इसकी खुशबू और बढ़ती है, और थोड़ा ज़्यादा भी डाले तो अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा हींग भी डालिए, थोड़ा कम ज़्यादा आपके हिसाब से आप कर लीजिए, हमने थोड़ा डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो जो पसंद है। तेल को थोड़ा कुनकुना कर लीजिए, उसको भी मैंने ये तबाह कर लिया है, एक छोटा ही थोड़ा थोड़ा कर। इसको अच्छी तरीके से मिलाते जाइए, हाथ मत डालिए, चम्मच का इस्तेमाल करिए ठंडा होने तक। ठंडा हो गया तो इसमें हमने चावल भी मिलाया, चावल का आटा भी है, तो इसके लिए थोड़ा सा गरम तेल ही डालना ज़रूरी है, अच्छी बनती है, खस्ता बनती है। हाथ से देखिए थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसको अच्छा मिला लीजिए सबको, इतना मिलाइए कि ये सब पूरा एक साथ हो जाना चाहिए। अब इसको ऐसा कर देख लीजिए कि ये ऐसा बन रहा है क्या। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा है। आप इतना ही डालिए, कम ज़्यादा मत करिए तेल। और जिस कप से हमने 2 कप ये लिया है ना पूरा मैटर, इस कप
आटा लिया है ना, तो वही कप से आप पानी ले लीजिए एक भर कर, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर कर मिलाइए, पूरा मत डालिए एक साथ, थोड़ा थोड़ा कर कर डालिए इसको, इसको थोड़ा थोड़ा कर कर मिलाइए, मिला लीजिए और इतना मिलाइए कि ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम होना, और अगर आपको बहुत ताकत है आप में तो टाइट भी बना सकते हैं, मगर ये अच्छा रहता है थोड़ा नरम बना लिए तो, जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं, टूटते भी नहीं हैं। नई बच्चियाँ भी बना सकते हैं, जो अभी अभी खाना बनाना शुरू करे वो भी आराम से बना ले सकते हैं इसको, बस खाली इसको थोड़ा सा नरम बनाएं। इसमें ना ये थोड़ा पानी और लगेगा, थोड़ा कड़क लग रहा है, ये 3 चम्मच के अंदर पानी है, चम्मच का अंदाज़ा बना कर डालिए आप, फिर दूसरी वक्त बनाए तो आसानी हो जाती है। ये 5 चम्मच के करीब इसमें पानी गया है, अभी बन रहा है, इसको थोड़ा एक जगह करके रख लेंगे, फिर बाद में और जब चकली बनाना है ना तो जब फिर उसे देखेंगे उसको और लगता है क्या। इस तरीके से बन गया है, अब ये थोड़ा सा नरम है, अभी अपन बनाते टाइम थोड़ा 20 मिनट उसको रख देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे जब देख लेंगे कि थोड़ा अगर टाइट होगा तो थोड़ा पानी मिलेंगे ना तो जोर रहेंगे। देखिए 10 से 20 मिनट आपको जितना टाइम है तो थोड़ा रख सकते हैं ना, 10 मिनट में बना सकते हैं। ये देखिए इतना नरम अच्छी तरीके से हो गया है, और अगर आपका थोड़ा टाइट दिख रहा तो आप पानी मिला सकते हैं। देखिए हमने तेल भी गर्म के लिए रख दिया है, जब तक इसकी ऑयलिंग ऑयलिंग करके भरते हैं उसमें, जब तक ये तेल गर्म हो जाए। ये देखिए हमने ये सांचा लिया है, इससे ज़रा जल्दी से बन जाता है, क्योंकि इस पर मेरा हाथ बैठा हुआ है इसलिए ये लिया है। ये जो तेल बचाया था थोड़ा सा कटोरी में उसको इसको लेकर ऐसा अच्छे तरीके से लगा लीजिए पूरा अंदर बाहर से सब। तेल जितनी अच्छी ऑयलिंग करेंगे आप उतने अच्छे से लिख लेंगे। देखिए इसको भी अंदर से अच्छे तरीके से लगा लीजिए, जितने अच्छा लगाएंगे उतना अच्छा है। ये स्टार वाली लिए हमने, इसको इसके तरीके से बिठा लीजिए। देखिए आप इसके ना थोड़ा सा तेल लगा लीजिए हाथ के, पहले दोनों हाथों को तेल लगा लीजिए, फिर इसके ना ये साइज़ के बना के रख लेते होंगे तो बना कर रख लीजिए, नहीं तो साथ का साथ बना कर भी बना सकते हो। देखिए ऐसे बना लीजिए, इसके अंदर इसको डाल लीजिए, ये हो गया तैयार। देखिए इसके ऐसा डाल लीजिए, देखिए इस तरीके से एक प्लेट को ये आयल लगा के रख ले, इससे आसान हो जाएंगे आपको बनाना डालना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए खास बता रही हूँ, हम लोगों को तो अच्छी तरीके से आता है बनाना। देखिए इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाकर ऐसे तरीके से गोल बनाइए, ये देखिए एक बन चुकी है। अब पूरी तैयार करके अब तलना शुरू करेंगे। देखिए पूरी चकली बना के रख ली है हमने, अभी तलना शुरू करेंगे। तेल को थोड़ा सा मीडियम रख के गरम कर लो, फिर बाद में उसको थोड़ा और कम कर लेना है डालने से पहले, नहीं तो ये ना जल्दी से ऊपर से हो जाती है, कलर आ जाता है, अंदर से फिर कच्ची रह जाती है, नरम नरम लगती है। तो इसको इस तरीके से तलिए और थोड़ी देर तक छोड़ देना, थोड़े बाद उसको बाद में थोड़ा कलर आने लगा तो जब ही पलटाना, पहले पलटाएंगे तो टूटने का डर रहता है, और नए बच्चे तो करना भी नहीं ऐसा, तेल आग पे आने का भी डर रहता। आप बड़ी कढ़ाई में भी तल सकते हैं, हमने इसमें लेकर तला है। देखिए अभी हमारे अच्छी तरीके से कलर भी आ चुका है, क्रिस्पी भी हो गए हुए हैं। देखिए अभी थोड़ी देर के बाद और बहुत अच्छे हो जाते हैं, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं, अभी तो नरम रहते थोड़े। तरीके से हमने पूरे तल कर निकाल लिया है, देखिए देखिए हमने इसलिए डाला है, ये इतने फेस्टिवल चल रहे हैं तो इसके लिए डाला है। आप ये बना कर खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगी, ये थोड़ा सा हटके है, आपको अच्छी लगेंगी ये। चलिए दुआओं में याद रखिए।